सर पहले तो आपके यहाँ उड़ीसा का दौरा के बारे में बताएं। मेरा सौभाग्य है उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर मैं जनता के दर्शन करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। आज मैं जगत सिंहपुर जाऊंगा, वहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। बीच में मैं वृक्षारोपण का के कार्यक्रम में भी भाग लूंगा क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। कार्यकर्ता के घर भी जाऊंगा, भोजन करूंगा और रास्ते में लोगों से गपशप भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आजादी के अमृत काल में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और इस पूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर तीसरी बार मोदी सरकार बने, इस काम में हम लगे हुए। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। उड़ीसा में दोनों चुनाव एक साथ, लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव भी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं। वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। वो कभी सरकार चलाते ही तो वे लगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। माताएं बहनें बेटियां यहाँ असुरक्षित है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया गया है और केंद्र सरकार की योजनाओं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है उन योजनाओं को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक के पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर। रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भी हमने 8 सीटें प्राप्त की थी, 86% से ज्यादा लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी। अब मुझे तो बड़ा गजब लगता है जो विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन है केवल, वो कहते हैं ये मर गया इसको लाभ मिल गया, पता चला वो जिंदा है। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, उड़ीसा में देखा। एसएचजी के बारे में केवल प्रचार हो रहा है। जिस बहन के बारे में कहा जाता है कि उसको एसएचजी की योजनाओं के कारण लाभ मिला, वो कहती है तो मेरा खुद का पैसा लगा है। तो नवीन बाबू के अधिकारी केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। सर आपकी पार्टी पे एलिगेशन लगता है कि